होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, सीपीआईएम जिंदाबाद, 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 सीपीआईएम जिंदाबाद, 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 सीपीआईएम जिंदाबाद, 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 अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये सुरक्षा के खिलाफ जो एक नई स्कीम लाई है, युवाओं के भविष्य के खिलाफ है, उसके विरोध में हमारी मांग है कि वो स्कीम जो है वापस होनी चाहिए। ये स्कीम जो है वो जल्दबाजी में लाई गई है, इसके ऊपर कोई पार्लियामेंट के अंडर डिबेट नहीं हुई है, कोई विशाल रूप से चर्चा नहीं हुई है, स्टेक होल्डर के साथ चर्चा नहीं हुई है। और ये आज सेंटर की गवर्नमेंट जो है वो आनन फानन में नई नई स्कीमें लाते हैं और उनका विरोध होता है, और पहले ही दिन इसके ऊपर उनको तरमीम लानी पड़ी एज में, और कुछ रिजर्वेशन की बात उन्होंने की है, लेकिन इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। जो अग्निवीर 4 साल के बाद वापस नौकरी करके वापस आएगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके भविष्य का सवाल है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये स्कीम वापस होनी चाहिए और परमानेंट, जिस तरह से पहले सिस्टम था उसी तरह युवाओं को भर्ती जो है वो किया जाना चाहिए। और पिछले 3-4 साल से जो युवा इस उम्मीद में थे, जिन्होंने टेस्ट भी दिए थे, अपनी वो दौड़े भी लगाई थी, लेकिन सब लिस्ट लगाने की बारी आई है, तो उनको जो नया झुंझुना जो वह दिखा दिया गया है, जो उनके खिलाफ बिल्कुल खिलाफ है, और वो इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि इसको वापस लिया जाना चाहिए, जहां तक उनके पेंशन और वेतन भत्तों को कम करने की बात है और टेक्नोलॉजी बढ़ाने की बात है। हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, वो चाहे वो सेना के ऑफिसर हैं, उनके वेतन भत्ते इतने ज़्यादा हैं, जहाँ हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, वो 4-5 साल के लिए अगर चुने जाते हैं तो उनको कई कई पेंशनें जो हैं, 2-2, 3-4 पेंशनें वो लेते हैं। ये हमारी मांग है कि ये स्कीम वापस ली जानी चाहिए, और जो पहले कई तरीका था भर्ती करने का, उसी तरह से भर्ती जो है वो की जानी चाहिए।